अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 सेकंड ईयर फिजिक्स, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को रिव्यू देख करते हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास है जी 14, इसका नाम है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और हमारे पास इसके हैं जी 15 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रीड करता हूँ। अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। क्वेश्चन को समझो, वो कहता है हमारे पास एक लूप है। लूप मीन ये हमारे पास इस तरह ये लूप बनी हुई है, ये लो जी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कंडक्टिंग है, मींस कि इसमें से करंट पास कर रहा है। ये एक स्क्वायर फॉर्म में हमने लूप बना ली, ठीक है, कंडक्टिंग। अच्छा, आगे वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहता है कि ये एक किसी भी जगह पर पड़ी हुई है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है। अच्छा, अब ये गौर से देखें, मैं इधर कहता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कैमरे की तरफ z एक्सिस है, ठीक है। अब आपने बताना कि फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप, कि एक लूप किस तरह हो कि फ्लक्स मैक्सिमम हो, और फॉर व्हाट ओरिएंटेशन द फ्लक्स इज मिनिमम, यानी कि आपने इसकी ओरिएंटेशन समझानी है कि कौन सी ओरिएंटेशन में फ्लक्स मैक्सिमम हो और कौन सी में मिनिमम। तो इसको मैं इधर ड्रा कर देता हूँ। तो ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये कैमरे की जाने जेड एक्सिस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस। अब आपने बताना है कि कौन से ओरिएंटेशन में फ्लक्स मैक्सिमम हो। तो अगर ये हमारे पास मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, यानी कि पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम फ्लक्स। अब हमें पता है कि जो फ्लक्स है डायरेक्ट लॉन्ग एक्स एक्सिस, अच्छा फ्लक्स बताना है, तो फ्लक्स का हमारे पास फार्मूला है जी phi b इज इक्वल टू बी डॉट ए। हमें पता है कि बी ए कॉस थीटा बनता है, कॉस कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए, कॉस ज़ीरो क्या होगा, वन, तो बी ए हो जाएगा। अब बी ए कैसे बनेगा, कि ये आपके पास लूप हो, यानी कि ये जो लूप इधर ऐसे है इसको मैं पकड़ के ऐसे रख देता हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये कौन से प्लेन में है, ये वाई था, ये जेड, तो इसका मतलब है कि लूप कौन से प्लेन में अगर एग्जिस्ट करे, इधर मैं लिख देता हूँ वाई और जेड वाले में, देन फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि फ्लक्स मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि लूप का वेक्टर एरिया पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एन एंगल विल बी ज़ीरो, और इसका पार्ट बी मिनिमम। इसके लिए क्या है कि मिनिमम का आप बोलकर जब ये परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर होने के लिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ तो यूँ हो जाए लूप, वैक्टर एरिया इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एंगल तब भी या यूँ हो जाए, तो ये कौन सा प्लेन बनेगा, यानी कि हमारे पास दो प्लेन आ जाएंगे, एक तो ये वाला और ये वाला, और एक और ये वाला, यानी कि वाई एक्स और वाई या एक्स और जेड, इस प्लेन में अगर हम रख देंगे फील्ड इधर है, लूप को ऐसे रख दो, एंगल 90, कॉस 90 ज़ीरो, ऐसे रख दो, फील्ड इधर है, एंगल ऊपर, कॉस 90 फिर ज़ीरो, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। फार्मूले में पुट करते हैं फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए बी ए कॉस 90, आंसर विल बी ज़ीरो, तो फ्लक्स क्या हो गया जी, मिनिमम, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने कहा जी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करंट जब भी किसी कंडक्टर से गुजरता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कैसे बनती है, आगे वो बता भी रहा है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ का फार्मूला हमारे पास है जी, सोलेनाइड के लिए हम क्या लेते हैं, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, या जनरल फॉर्म में आप इसे क्या कह रहे थे, बी डॉट डेल एल इंटू एन इंटू आई, आई वहाँ से चलता है एन तक जाता है, इंटू म्यू नॉट इंटू करंट कह लेते हैं, करंट इनक्लोज, ठीक है। ये एम्पेयर लॉ का फार्मूला नीचे वाला, ऊपर वाला सोलेनाइड के लिए। वट कैन यू कंक्लूड, अच्छा सिंस करंट इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट कब बनता है, जब चार्जेस क्या करते हैं फ्लो, हमें पता है कि आई की वैल्यू कितनी है, क्यू बाई टी, और ये किस में होंगे, जब इन मोशन हो चार्जेस, ठीक है, तो करंट बनता है, यानी कि मोशन करते हुए चार्जेस का दूसरा नाम है करंट। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी व्हाट अबाउट मूविंग चार्जेस, वो कहता है कि अगर चार्जेस स्टेशनरी कर दें, चार्जेस रोक दें, तो आपको पता है कि करंट कितना हो जाएगा, जीरो। अगर इस फार्मूले में आप जीरो पुट करो या इधर आई की वैल्यू जीरो पुट करो, तो दोनों कंडीशन में फील्ड का आंसर क्या बनेगा, जीरो। लेकिन वो कहता है कि अगर चार्जेस, ये पार्ट ए हो गया, पार्ट बी में कहता है अगर चार्जेस चल रहे हैं, चार्जेस चल रहे हैं मीन्स करंट बन रहा है, अगर करंट बन रहा है कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू इधर भी पुट होगी, इधर भी पुट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कुछ ना कुछ हम कह देते हैं
एनी वैल्यू, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू बन रही होगी, तो इसका मतलब है तब मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर स्टेशनरी होंगे तो तब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर टू था। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनाइड कैरिंग अ करंट इफ द लेंथ ऑफ सोलेनाइड इज डबल्ड बट नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन कॉन्स्टेंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड बट लेंथ रिमेन कॉन्स्टेंट। हमें पता है कि एक सोलेनाइड से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फार्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एंड वी ऑल्सो नो डैट स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ओवर लेंथ। यही है, आप इधर पुट कर दें तो फार्मूला बनेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन कैपिटल एन ओवर एल इंटू आई। अब पार्ट ए में कहता है कि एल की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, टू एल, एल की तादाद ने ज़्यादा कर दो। तो अब मैं ज़्यादा करके पुट करता हूँ, तो बी प्राइम जो नई फील्ड बनी म्यू नॉट एन कैपिटल एन, क्योंकि एन उसने कहा सेम रखने, एन चेंज नहीं करने, तो क्या इसमें से वन ओवर टू कॉमन लिया जा सकता है, म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई बनता है। तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है, वन बाई टू, ये किसके बराबर है, ये बी के बराबर है। तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड पुरानी मैग्नेटिक फील्ड का कितना हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। पार्ट बी, एन की जगह क्या पुट कर देना है, टू एन। तो अब देखते हैं, तो जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगी म्यू नॉट टू एन ओवर एल इंटू आई, टू कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, म्यू नॉट एन एल इंटू आई, ये किसके बराबर है, ये बी के बराबर है। तो जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड है वो पुरानी मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसको मैथमेटिकली कर लिया, अब कंसेप्ट के लिहाज से सुन लो, मेरे पास एक सोलेनाइड है उसमें 10 टर्न्स है, एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, लेंथ इतनी रखता हूँ लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स 20 कर देता हूँ। अब खुद सोचो, जब इतने से एरिया में नंबर ऑफ टर्न्स 20 हो गए तो एक की पहले वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई हो रही थी, अब वो एक की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई होगी, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब मेरे पास इतनी सी फील्ड है, नंबर ऑफ टर्न 10 है, मैंने क्या किया इसको खींच कर ऐसे लंबा कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स क्या रखे हैं, 10। अब क्या होगा, अब इतने से एरिया में फील्ड बन रही थी, अब इतने ज़्यादा एरिया में बन रही है, तो आपको क्या लगेगा, फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में वो हमें पूछता है, एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव्स इन एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन इन अ रीजन वेयर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, विल द प्रोटॉन टू मूव कंटिन्यू इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्सप्लेन। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। वो कहता है कि हम किसी जगह पे हैं, वहां पर एक प्रोटॉन सुकून से मूव करता हुआ जा रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव जेड एक्सिस में है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस में, तो आपने बताना है कि जो उसके ऊपर फोर्स लगेगी वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगी। क्वेश्चन नंबर है जी फोर, हमें पता है कि फोर्स का जो फार्मूला हुआ है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, और इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, Z एक्सिस आपकी तरफ है, तो नेगेटिव Z एक्सिस बोर्ड की बैक साइड पे होगा, यानी कि Z एक्सिस इधर है ना, पॉजिटिव, और वो नेगेटिव इधर होगा। तो हमने क्या करना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब उसके मुताबिक ये आपने क्या करना है, राइट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि जो प्रोटोन है वो वेलोसिटी इसकी तरफ जा रहा है और जो फील्ड है वो इस तरफ है नेगेटिव Z में, कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने क्या रखना है, आपने ये वाली फिंगर्स रखनी फील्ड की डायरेक्शन में, ये जिस तरफ ये चीज़ जा रही हो, तो आपका जो ये हाथ है या ये वाली फिंगर है, ये क्या, ये मिडिल फिंगर क्या शो कर रही होगी, वैल्यू ऑफ फोर्स। तो अब चेक कर लेते हैं, ये देखो एक्स एक्सिस में प्रोटॉन जा रहा है, तो प्रोटॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब, ये वाली फिंगर आपने किधर रखनी है, फील्ड के डायरेक्शन में, फील्ड चूंकि बोर्ड की बैक साइड पे, तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर क्या है, पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, द फोर्स विल बी इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है जी, अच्छा यहाँ तक क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, अभी और सुने। इसमें वो कहता है कि क्या प्रोटॉन ऐसे सीधा जाता रहेगा, नहीं, हमने ये वर एम रेशो वाले क्वेश्चन वो टॉपिक में देखा था कि प्रोटॉन सीधा नहीं जाता रहेगा, बल्कि वो कौन सी मोशन शुरू कर देगा, सर्कुलर, यानी कि पार्ट बी का आंसर होगा नो, इट विल नॉट गो इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, इट विल बिगन टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन, यानी कि वो सर्कुलर मोशन को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर है जी फाइव, क्वेश्चन बहुत हैं इस चैप्टर के। टू चार्ज पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इन टू अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी, इफ द चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हाट कैन यू से अबाउट देम।
बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। वो कहता है कि मैंने क्या किया, ये कोई इलाका है, यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल को फेंके, ठीक है, इधर से दो फेंक दिए। वो कहता है एक इधर निकल गया और एक इधर निकल गया, तो क्या वजह बनी, और ये इलाका कौन सा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। आप डॉट भी बना सकते हैं, आप क्रॉस भी बना सकते हैं, और ऊपर से आने वाले चार्जेस दो हैं जिनकी ये वेलोसिटीज हैं। अब हुआ क्या कि एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया। अब ये तब बनेगा अगर मैं एक को q कह लूँ और दूसरे को माइनस q कह लूँ। आप फार्मूले में पुट करें, f इज इक्वल टू आ जाएगा q v क्रॉस b, दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, सेम फील्ड में आ रहे हैं, तो q की डायरेक्शन q की वैल्यू पुट करने से फोर्स आ जाएगी। लेकिन जब दूसरे को देखूंगा तो दूसरे में मैं क्या पुट करूंगा, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है v नेगेटिव इज इक्वल टू ये वाली चीज़ किसके बराबर है, ये इतनी चीज़ v पॉजिटिव के, तो माइनस f। इसका मतलब क्या बना कि जो माइनस f है, जो माइनस फोर्स लग रही है, वो नेगेटिव चार्ज इधर लग रही है और दूसरी उधर। इसका मतलब है कि जो दो चार्जेस आ रहे थे वो कौन से होंगे, दोनों दोनों चार्जेस कैसी कैसे होंगे, ऑपोजिट चार्जेस। यानी कि अगर वो सेम होते तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में मुड़ते, लेकिन दोनों ऑपोजिट थे, फोर्सेस सेम थी, वेलोसिटी सेम थी, फील्ड सेम थी। इसका मतलब है ये नेगेटिव क्या इंडिकेट करेगा यहाँ पर, कि एक पॉजिटिव था तो दूसरा नेगेटिव था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सपोज दैट क्यू इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी वाई, व्हाई देयर इज नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्ट्स ऑन चार्ज क्यू। क्वेश्चन नंबर 6 में ये इसका आंसर भी है कि जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉप करते हैं तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो सर्कुलर मोशन शुरू कर देता है। ठीक है, कौन सी मोशन शुरू कर देता है, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा उस पॉइंट पर टेंजेंट होता है, ये वेलोसिटी है। तो हमें पता है जो वेलोसिटी है वो असल में ये है, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इन टू टी। तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी, टी तो स्केलर है, इसका मतलब है जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही किस चीज़ की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की। और सर्कल में मोशन करते हुए पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगती है उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो इधर है। तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान में एंगल कितना हो गया, 90। तो क्वेश्चन ये था कि अगर सर्कल में एक पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसकी वजह से कोई वर्क क्यों नहीं होता, अगर उसकी वजह से वर्क होने लग जाए तो हमें तो लामहदूद वर्क मिलना शुरू हो जाए, तो क्यों नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि फार्मूला वर्क का डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ डी दोनों है लेकिन कॉस कॉस 90 है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है 90, कॉस 90 जीरो, तो एफ डी सारे का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब है कि कितना वर्क होगा, जीरो जॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है जी 6। आगे क्वेश्चन नंबर है 7। इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इन दैट रीजन। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से ही मिलता जुलता है इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वो कहता है कि जैसे ये रूम है, इस रूम में वो कहता है कि मैंने एक चार्ज पार्टिकल फेंका और वो चुप करके इधर से चला गया, तो उसने कहा अगर तो सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती तो वो सर्कल में मोशन शुरू कर देता या अपनी डायरेक्शन बदल लेता, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग जा रही थी। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर लाजमी बात है कि फील्ड ज़ीरो है, हमने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आप इस फार्मूले को खोलो तो ये फार्मूला खोल के किसके बराबर आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इन टू एन यूनिट वेक्टर, यही बनेगा। उसने कहा सर ये हो सकता है कि अगर इस डायरेक्शन में फील्ड है तो वो पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में जाए, तो मैंने कहा फिर भी फोर्स लगेगी। उसने कहा तब नहीं लगेगी सर, ये इस बात की निशानदेही नहीं है कि लाजमी बात है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। मैंने कहा फिर, उसने कहा ये इस बात की निशानदेही है कि यहाँ पर थीटा में भी कितना हो, जीरो, यानी कि वो दोनों पैरेलल चल रहे हैं, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में फील्ड है तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हो, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। जरा आप इस फार्मूले में पुट करें तो क्यू वी बी साइन जीरो इंटू एन यूनिट वेक्टर, दिन आंसर इज जीरो। इसका मतलब है फोर्स क्या हो गई, जीरो। तो क्या लाजमी बात है कि फील्ड जीरो होगी, नहीं, ये हो सकता है कि वो फील्ड के पैरेलल जा रहा हो। जैसे कि यार एक ट्रेन जा रही है, आप ट्रेन में कब लगोगे, अगर ट्रेन के सामने परपेंडिकुलर आओगे, अगर ट्रेन के साथ चलते रहोगे जब तक जाते रहोगे, आप ट्रेन कभी भी क्रॉस नहीं करोगे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हाई डज द पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्राउट नियर द स्क्रीन। अच्छा, टीवी स्क्रीन की बात करें, ये पुराने वाले जो हमारे नहीं होते थे ऐसे, जिनके अंदर ऐसे ट्यूब लगी होती थी, कैथोड ट्यूब, तो अब इनकी वजह से वो कहता है कि इसके सामने अगर आप यहाँ पर एक मैग्नेट लेके जाओ,
तो आप देखते हो कि इसके सामने जो स्क्रीन पर जो इमेज या पिक्चर बन रही होती है वो सारी डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी कि तबाह हो जाती है, टूट फूट जाती है। क्या वजह बनी? वजह यह बनी कि इसकी बैक एंड पे जो चीज़ आ रही होती है वो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इसको स्ट्राइक करते हैं, फ्लोरिसेंस होती है, यानी कि ये स्क्रीन ग्लो करते हैं और इमेज नज़र आती है। लेकिन जब मैं इसके पास मैग्नेट करूँगा तो क्या ये वाला काम हो जाएगा? उसने कहा कैसे सर? मैंने कहा यार पहले तो आ रहे थे तो बी नहीं था, तो बी जीरो पुट करो तो एफ कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन वो कहता है जैसे आप इसको करीब लेके जाओगे तो आपने कुछ ना कुछ फील्ड प्रोवाइड कर दी जिससे उस चार्ज पार्टिकल कौन है, आता हुआ इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर क्या लगी? फोर्स। फोर्स लगने से चीज़ अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जिसने स्क्रीन पर आके स्ट्राइक करना था, ग्लो करना था और इमेज बननी थी, वो अब स्क्रीन पर पहुंचा नहीं, जब पहुंचा नहीं तो वहां पर इमेज बनी नहीं, तो इमेज फिर कैसी? वो किसी और जगह पर जाकर स्ट्राइक कर देगा, जिसकी वजह से इमेज कैसी बनेगी? टूटी फूटी सी, डिस्टॉर्टेड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 8। आपने ये फार्मूला ज़रूर लिखना है, जब यानी कि फार्मूला देने से आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे, उसे एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि भाई इसको ये पता है। ठीक है जी, क्वेश्चन ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 9। इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट? अच्छा, हमने टॉक पढ़ा था कि भाई अगर ये मेरे पास यूं करके एक लूप है, इसको मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो आप देखते हो ये घूमना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो कहता है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में भी रखो लेकिन ये घूमे भी ना? मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा सर जी टोर का फार्मूला है एन आई बी ए कॉस अल्फा, और एन यहाँ पर एक लूप है तो एन वन है, तो क्या आ जाएगा? आई बी ए कॉस अल्फा। फिर तो मैंने कहा यार यहाँ पर बी तो है तो इस पर टॉर्क लगे। उसने कहा सर ये कैसे रखना है आपने कि एंगल को 90 कर देना है? मैंने कहा एंगल 90 का था सर, वो पहले क्वेश्चन की तरह ही है कि अगर ये फील्ड है तो आपने एंगल को 90 कर देना, प्लेन को ऐसे रख दें, फील्ड इधर है प्लेन ऐसे रख दें, तो एंगल 90 हो गया प्लेन का, तो कॉस 90 आप इधर कॉस 90 पुट करें तो आई बी ए कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। और टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट, इसका मतलब है इसके ऊपर कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, जब टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा तो ये रोटेशन भी नहीं करेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, सेम टू सेम इसकी जीरोक्स कॉपी है, सेम। क्वेश्चन नंबर टेन कहता है क्या आप इस मैग्नेट इस लूप को इस्तेमाल करते हुए ये बता सकते हो कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा कैसे? उसने कहा सर देखो यहाँ पर फर्ज करो मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, मैंने पहले लूप को ऐसे रखा, करंट गुजारा, अगर तो करंट गुजारने से ये ना रोटेट करे तो इसका मतलब है वहाँ पर बी की वैल्यू, क्योंकि करंट भी है, एरिया भी है, एंगल भी है, लेकिन बी नहीं है, अगर बी ना हुआ तो वो रोटेट नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं ऐसे रखूँ तब भी करंट गुजारूँ तब भी ये रोटेट ना करे तो इसका मतलब है तब भी फील्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तब एंगल चेंज कर रहा हूँ, अब करंट गुजारूँ लेकिन ये रोटेट कर दे, इसका मतलब है कि यहाँ पर रोटेशन के लिए बी का फैक्टर इंक्लूड हुआ है, तो अगर बी इंक्लूड हुआ है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप इसका आंसर लिखोगे यस वी कैन यूज अ करंट कैरिंग लूप टू गेट नो अबाउट दी मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि अगर ये लूप रोटेट कर दे तो इसका मतलब है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर किसी जगह किसी पॉइंट किसी एंगल पर भी रोटेट ना करे तो बी वहाँ पर कितना होगा? जीरो। इसका मतलब है कि लूप से आप आइडिया लगा सकते हो कि फील्ड है या नहीं। अच्छा, आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है क्या आप हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट? आइसोटोप क्या होते हैं? यानी कि ऐसे एलिमेंट्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, जैसे कि कार्बन के हैं या हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन के तीन हैं प्रोटियम ड्यूटियम और ट्रीटियम, 1, 1, 1, 1, 2 और 3, ये तीनों डिफरेंट है। तो क्या वो कहता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके इन तीनों को अलग अलग कर सकते हो? मैंने कहा यार आंख से तो नज़र नहीं आते लेकिन इनसे कर सकते हैं। उसने कहा कैसे? उसने कहा सर देखो इनको हम बना लेंगे पहले आयन, जब ये आयन बन जाएंगे तो ये चार्ज पार्टिकल है, और जब ये चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो ये कैसी रोटेशन शुरू कर देता है? मैंने कहा यार सर्कुलर। वो कहता है सर्कुलर रोटेशन करते हुए पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेज होती हैं, एक तो मैग्नेटिक फोर्स और दूसरी सेंटीपेटल। मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू
वी बी साइन 90 बन जाएगा एंगल, क्योंकि ये इधर एंगल 90, और ये क्या होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, वी इससे कट गया तो क्या बचा क्यू बी इंटू एम वी ओवर आर, ठीक है। तो इसको ज़रा रीअरेंज कर लो, जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा एम वी ओवर क्यू इंटू बी। ये चार्ज कॉन्स्टेंट क्यों कभी बताया, सेम चार्ज नंबर फील्ड वैसे सेम, सबकी वेलोसिटी सेम, तो इसका मतलब है कि आर इज डायरेक्टली टू एम, इसका मतलब है कि जिसका रेडियस बड़ा बन रहा होगा, जिसका सर्कल बड़ा बन रहा होगा उसका मास ज़्यादा होगा, और जिसका सर्कल छोटा बन रहा होगा उसका मास कम होगा। इसका मतलब है सबसे बड़ा सर्कल ये बनाएगा, फिर ये और फिर ये, तो इसका मतलब है तीनों अलग अलग हो गए, तो हम यहाँ से इनको अलग अलग कलेक्ट कर लेते हैं, तो यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है जी, what should be the orientation of current carrying coil in a magnetic field so that torque acting on is upon the coil is maximum and minimum। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में है, 10 में नहीं है तो 9 में है। वो कहता है फ्लक्स का ये टॉर्क का मैक्सिमम होगा जब प्लेन पैरेलल होगा फील्ड के, यानी कि ये फील्ड है और ये आपकी लूप का प्लेन है, ये इधर है और फील्ड भी इधर है, तो कॉज एंगल अल्फा कितना हो जाएगा जीरो, तो टॉर्क का फार्मूला है आई एन आई बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है वन, तो क्या होगा एन आई बी ए, और इसी का पार्ट भी है कि फील्ड ये प्लेन ऐसे है फील्ड इधर है, ठीक है, तो एंगल कितना हो गया 90, तो टॉर्क का आंसर क्या होगा एन आई बी ए कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो आंसर विल बी जीरो। इसका मतलब है कि आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फ्लक्स यानी कि टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, टॉर्क मिनिमम, ठीक है, या इतना कोई खास इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अ लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट विद द इट्स प्लेन पैरेलल टू द पोल फेसेस, व्हाट हैपन इफ द डायरेक्ट करंट इज पुट थ्रू द कॉइल एंड व्हाट हैपन इफ द अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड। वो कहता है लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट विद द प्लेन पैरेलल टू द पोल फेसेस, लूप जो है वो पोल फेसेस के पैरेलल है, ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन वो हमें बता रहा है, ठीक है, तो इस फार्मूले में जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा एन आई बी ए कॉस 90, तो कॉस 90 जीरो, तो टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो। अब क्वेश्चन पार्ट है, वो कहता है अगर अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करें, दूसरा डायरेक्ट करंट यूज़ करें, तो तब तब टॉर्क क्या होगा, यार यार खुद देखो ना, टॉर्क ही जीरो आ रहा है हर कंडीशन में एंगल, तो करंट का तो लेना देना ही नहीं है, तो अगर आप एसी गुजारोगे तब भी टॉर्क जीरो ही आएगा क्योंकि एंगल जीरो, अगर आप डीसी गुजारोगे करंट डायरेक्ट करंट जो है तो तब भी आंसर जीरो आना है क्योंकि करंट तो गुजरना है लेकिन एंगल ही जीरो है, चाहे ऐसे करंट गुजार लो चाहे ऐसे गुजार लो, दोनों कंडीशन में टॉर्क जीरो है, इसका मतलब है कोई इफेक्ट नहीं होगा, टॉर्क जीरो होगा। आगे क्वेश्चन नंबर है जी 14 और 15, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुए हैं बोर्ड में, इनको समझ भी लें और इनको अच्छी तरह तैयार भी कर लें, मुफ्त के नंबर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी लो, एमीटर की रेजिस्टेंस भाई साहब बहुत कम होनी चाहिए, कैसे ये देखें जी, एमीटर ये बल्ब है, एमीटर कैसे लगता है किसी भी चीज़ के साथ सीरीज में, ठीक है, ये बैटरी है, ये हमारे पास बल्ब है, अब एमीटर को मैं ज़रा खोल के बनाता हूँ, तो एमीटर असल में होता क्या है, एमीटर यूं करके एक गैल्वेनोमीटर होता है और इसके साथ एक छोटी सी एक शंट रेजिस्टेंस होती है जिसको हम सीरीज में लगाते हैं, तो वो कहता है कि इसकी रेजिस्टेंस ये पूरे डब्बे की एक ही रेजिस्टेंस स्मॉल क्यों नहीं चाहिए, स्मॉल इसलिए होनी चाहिए कि अगर ये रेजिस्टेंस मैं बड़ी कर दूंगा तो ये ब्लॉकेज बन जाएगा, ये करंट को इधर से इधर आने ही नहीं देगा और बल्ब को रोशन करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हुई तो ये बल्ब को ब्लॉकेज बना देगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट खुद अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेगा, अपने गिर्द वोल्टेज ड्रॉप करने लग जाएगा, जब अपने गिर्द वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो मेजरमेंट का आंसर सेम नहीं आएगा, मेजरमेंट काफ़ी ख़राब हो जाएगी, लेकिन जब हम इसी को स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसके साथ स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट ईजिली इधर से होकर ईजिली होकर इधर चला जाएगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो इसने खुद कितनी करप्शन की, बहुत कम, क्योंकि रेजिस्टेंस ही बहुत स्मॉल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट ईजिली होकर पास हो जाएगा और जो पास होगा ये उसको मेजर करके हमें ईजिली दे देगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर है जी 15, क्वेश्चन नंबर 15 की भी डायग्राम कुछ यूँ ही है, ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, इसके साथ लगा हुआ इधर वोल्ट मीटर, और ये बल्ब है पॉजिटिव नेगेटिव, अब इसके साथ ही वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में लगता है किस शक्ल में,
वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में लगता होता है पैरेलल में। वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ देता हूँ, व्हाई दी वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्यों होनी चाहिए। इसके आंसर को देखो, अगर इसकी रेजिस्टेंस अगर मैं कम कर दूं तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट इधर से होकर वापस आ जाएगा और बल्ब को बेचारे को करंट मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए इसकी रेजिस्टेंस को हम रखते हैं हाई। दूसरा, अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई है तो इसके अंदर से करंट नहीं गुजरेगा, तो इसने तो खुद इसके अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करना है, तो अगर इसके अंदर से करंट गुजरने लग जाएगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस आ जाएगा, इसने तो इसके गिर्द वोल्टेज मेजर करनी थी, तो इसने करप्शन कर ली। इसलिए वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर ऐसा हो जिसकी आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस कितनी हो, इन्फिनिट, और हम इन्फिनिट रेजिस्टेंस वाला लगा नहीं सकते क्योंकि करंट थोड़ा बहुत तो चाहिए मेजरमेंट के लिए। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस हम संभाल कर देंगे तो मोस्टली करंट ये अपने अंदर से गुजार देगा और सारी मेजरमेंट बजाय उसके करने के अपने अक्रॉस ही मेजरमेंट करके आपको दे देगा, और जो कि आंसर क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए इसकी रेजिस्टेंस हमेशा हाई चाहिए और इसकी रेजिस्टेंस हमेशा लो चाहिए, क्योंकि ये सीरीज में और ये पैरेलल में। ठीक है जी, ये थे आपके चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर कोई इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई डाउट है, तो वो कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।